एक सरकारी दफ्तर दे विच तेंदुए दे आउण दे नाल हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि जिस समय तेंदुए ने दस्तक दिती ता उस समय सारे इलाके दे विच ही सहम दा माहौल बढ़ गया। ता कहा जा रहा है कि इलाके दे विच तेंदुए दे कई थावां दे उत्ते पैरां दे निशान देखे गए सी, पर लगातार क्यासराइयां लगाईयां जा रहीयां सी कि इलाके च हो सकदा है कोई तेंदुआ होवे। पर जद इस तेंदुए ने दिन दे समय कंध टप के सरकारी दफ्तर दे विच दस्तक दित्ती ता उस समय पूरे इलाके दे विच सहम दा माहौल बन गया। ता तस्वीरां वी इस दीआं सामणे आईआं ने, सीसीटीवी दे विच ए तेंदुआ कैद होया, जिस दे विच साफ देखिया जा सकदा है कि जो सरकारी दफ्तर है उस दे विच जो गार्डन है उस दे विच ए तेंदुआ तुरदा नज़र आ रहा है। ते इस दे नाल ही एक तस्वीर होर सामणे आई है जिस दे विच इस नूं सरकारी दफ्तर दी कंध टप्पदे होए साफ देखा जा सकता है। हालांकि इस सब तो बाद हुण इसकी सूचना जंगलात विभाग नूं भी दित्ती गई है ते उन्हां दे वल्लों हुण तेंदुए नूं फड़न दीआं कोशिशां तेज़ कर दित्तियां ने। तां इलाके दे विच भी लोकां च सहम दा माहौल है। ज़िला दे विच जो दफ्तर है सरकारी उस दे विच इसने दस्तक दित्ती ते जदों इस दे विच दस्तक दित्ती तां लोकां दे विच भी सहम दा माहौल बन गया। रायसेन जिला मुख्यालय पर टाइगर की यहाँ पर दस्तक दिया टाइगर ने, एक बार फिर यहाँ पर कहीं दस्तक से लोग भी दहशत दिखाई दे रहे हैं। देख सकते किस तरीके से ये जो मार्ग है विदिशा और रायसेन का, जिस तरीके से बात की जाए यहीं से जो है कहीं ना कहीं बाघ यहाँ से आता है और आने के बाद में जिस तरीके से ये रॉयल गार्डन है इसकी और तरफ आता है, और आते हुए जिस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बाउंड्री है जो सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जब जैसे ही बाघ ने यहाँ पर छलांग लगाई है तो यहाँ पर बाउंड्री जो क्षतिग्रस्त होकर यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो जिस तरह भी बात की जाए सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है इसमें कहीं ना कहीं जो बाघ पूरा यहाँ पर बाघ की जो मूवमेंट है वो यहाँ पर कैद हुई है। गार्डन संचालक हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह की बात की जाए आज यहाँ पर सुबह सुबह आपके सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पर बाघ की यहाँ पर मूवमेंट कैद हुई है, लोग दहशत में, क्या कहना है आपका? सर वो मूवमेंट तो आसपास बाघों की है, रायसेन के आसपास सदालतपुर गाँव है, इधर सुल्तानपुर रोड पर आज सिटी के अंदर यहाँ प्रवेश करा है उसने, और लोगों का कहना है कि 2-3-4 बाघ हैं। ये तो ये अकेला बाघ था जो यहाँ से आया है सुबह से 6:30 बजे के समथिंग, और ये मेरी बाउंड्री वाल को तोड़ता हुआ अंदर से फिर मेरे खेत में से बाहर हो गया, गार्डन में घुमा, गार्डन में से यहाँ से निकलते हुए अंदर बाहर हो गया। इस हिसाब से बात की जाए ये पूरा रिहायशी इलाका और सारे वीआईपी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर सुबह शाम मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अकेले ना आए आसपास, क्या है कि ये तो जानवर है, अब अपन कुछ कह नहीं सकते, अपन ही समझदार हैं तो अपने हिसाब से चलना चाहिए। अकेले ना अपने बच्चों को भेजें ना खुद आए, और स्कूल जाते टाइम भी ध्यान रखें। निश्चित रूप से गार्डन संचालक से बात हो रही थी, उनका कहना है कि यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर बाघ की मूवमेंट हुई है, गार्ड जो विदिशा रायसेन के मार्ग से आया हो छलांग लगा के यहाँ पर बाउंड्री से निकलते हुए वो अंदर पहाड़ी तरफ निकल गया, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से गार्डन संचालक का कहना है उसी हिसाब से फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी उन्होंने कहा है कि लोगों को सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। दिनेश यादव, न्यूज 18 रायसेन।